खोज है, तो सत्य की खोज है, राइट। ठीक है, लेक्चर का नाम लिखिए, लेक्चर नंबर 3 ऑफ GS4, लेक्चर नंबर 3 ऑफ GS4, लेक्चर का नाम लिखिए, रोल ऑफ एजुकेशन फैमिली एंड सोसाइटी, परिवार समाज व शिक्षा की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन फैमिली एंड सोसाइटी, परिवार समाज व शिक्षा की भूमिका इन इनकल्केटिंग वैल्यूज, मूल्य सृजन में, इन इनकल्केटिंग वैल्यूज, मूल्य सृजन में। आपके मूल्य बनाने में किसकी भूमिका? शिक्षा, परिवार और समाज की। आजकल होना चाहिए मूल्यों के सृजन में व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक की भूमिका। कंटेम्प्रेरी फीलिंग आएगी ना, क्योंकि वैल्यू कौन बना रहा है आजकल आपकी? ना तो शिक्षा, ना समाज, ना परिवार। मूल्य कौन बना रहा है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसकी भूमिका होनी चाहिए। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि आप शायद शिक्षा, परिवार और समाज से ज्यादा कहाँ टाइम बिताते हो? दूसरी चीजों पे। मोस्ट फेवरेट इंस्टाग्राम बिताते हैं लोग, इंटरनेट पे खूब टाइम बिताते हैं, यूट्यूब, उस पे, ट्विटर पे हो, फेसबुक, व्हाट्सएप। हाँ, तो मूल्यवर्धन ऐसा होता है ना व्हाट्सएप से भयंकर। फेसबुक पे कभी किसी पोस्ट के अंदर जाकर उसके कमेंट सेक्शन को निहारा है? क्या अभद्रता इस्तेमाल होती है उसके अंदर? टॉपिक किसी का, लोग कोई और, झगड़ा कोई और कर रहे हैं, और दुश्मनी पाल रखी है भयंकर, एक दूसरे को चिल्ला चोट। तुम में से भी एक दुख का लोगों ने किया होगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके खूब अभद्रता का इस्तेमाल करना। अब क्या है, हमको ये देखना है कि एजुकेशन, फैमिली और सोसाइटी की वजह से कितने मूल्य बढ़ जाते हैं, बढ़ते हैं भी या नहीं, या घट जाते हैं, या होता क्या है इन तीन चीजों की वजह से। क्योंकि क्या है, जैसे मूल्य सोसाइटी में रहेंगे, समाज में रहेंगे, वैसे ही मूल्य ब्यूरोक्रेट्स में भी दिखेंगे। जो मूल्य, जो वैल्यूज समाज में है, लोगों में है, वही वैल्यूज अधिकारियों में भी दिखेगी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में भी दिखेगी। जैसे मनी, समाज किसको ज्यादा समर्थन देता है? पैसे को। तो ब्यूरोक्रेसी भी किसको समर्थन देगी? पैसे को ही देगी ना अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, शादी के लिए लड़की के घर पे लड़का आता है, तो उससे क्या पूछा जाता है कि कमाता कितना है? समाज के मूल्य पैसा है, तो वो मूल्य आपको सब जगह दिखेंगे। लड़की का पिता कभी ये नहीं पूछेगा तुम्हारे मूल्यों का स्रोत क्या है बेटा, वो ये पूछेगा कमाते कितने हो, क्योंकि समाज का मूल्य पैसा ही है। तो ये वैल्यू हो जाती है, इसीलिए आपको हर जगह यही मूल्य दिखेगा, सब जगह, कहीं भी चले जाओ, ठीक है। तो ऑब्वियसली एज अ सोसाइटी हम जिस भी चीज को रेस्पेक्ट करेंगे या ज्यादा वैल्यू देंगे हम जिस भी चीज को, वही एस्पेक्ट हमारे समाज को गवर्न करेगा। और फिर हम कहते हैं करप्शन ज्यादा है। समाज क्या है, किसके पीछे भाग रहा है समाज? पैसे के पीछे। तो अधिकारी भी तो समाज से ही आया है, वो भी तो इंसान ही है, वो किसके पीछे भागेगा? पैसे के पीछे, राइट। तो ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। तो आज भारत का समाज कौन से मूल्य को ज्यादा समर्थन देता है? उसको कहते हैं हम मनी। पैसा ही मूल्य होता है, राइट। तो अपन को ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि समाज इतना बिगड़ गया है। समाज क्या होता है, सीधा सीधा रिफ्लेक्शन होता है आपका। आप पैसे के पीछे भाग रहे हो तो आप क्या, सबके सब भागेंगे, तो समाज पैसे के पीछे भागने लगा, बस ये है, ठीक है। तो ये सब जगह दिखेगा ना, सरकार में भी पैसा के पीछे भागते हुए लोग दिखेंगे,
गवर्नमेंट अधिकारी भी पैसे के पीछे भागते हुए दिखेंगे, बिजनेस करने वाले भी पैसे के पीछे भागते हुए दिखेंगे, हर इंसान पैसे के पीछे फिर भागता हुआ दिखेगा, क्योंकि समाज ने मूल्य क्या बना दिया, पैसा। ये है, तो अभी अपना मूल्य थोड़ा खराब हो चुका है। फिर अपन बोलते हैं अरे कितना करप्शन है, तो होगा ना, भ्रष्टाचार तो होगा, क्यों नहीं होगा, जब समाज में, समाज के तौर पर पूरी तरीके से मनी को ही, धन को ही मूल्यवान समझा जा रहा है, तो भ्रष्टाचार नहीं होगा क्या? वो अधिकारी भी तो सोचेगा कि मैं थोड़ा पैसा कमा लूं। ये रिलेट करना पड़ेगा आपको आंसर्स में, इतना समझाना पड़ेगा, ठीक। अब अपन लिखने का काम करते हैं, देखते हैं कि क्या आप चीज़ लॉजिकल है, क्या इलॉजिकल है, और हम किस लेवल पे आके टिके हुए हैं हाल फिलहाल में। लिखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज आर, मूल्यों के सृजन में अहम भूमिका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज आर, मूल्यों के सृजन में अहम भूमिका आर फैमिली, एजुकेशन एंड सोसाइटी, परिवार, शिक्षा और समाज की होती है, आर फैमिली एजुकेशन एंड सोसाइटी, परिवार, शिक्षा और समाज की होती है। वॉट एवर इज वैल्यूड बाय द सोसाइटी, जो भी समाज के द्वारा मूल्यकृत किया जाता है, वॉट एवर इज वैल्यूड बाय द सोसाइटी, जो भी समाज के द्वारा मूल्यकृत किया जाता है, वैल्यूड बाय द सोसाइटी, वुड क्रीप इन टू ऑल एस्पेक्ट्स, वे ही तत्व विल क्रीप, रेंगते हुए, विल क्रीप इनटू ऑल एस्पेक्ट्स, वे ही तत्व ऑफ बिजनेस, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स, शासन, व्यापार, राजनीति, ऑफ बिजनेस, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन, व्यापार, राजनीति एंड पॉलिटिक्स, और प्रशासन में मिलेंगे, बिजनेस, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स, वे ही तत्व आपको यहां मिलेंगे, फुल स्टॉप। सिंस 1991 से वी हैव एंटर्ड द ब्रेव वर्ल्ड, हमने एक नए युग में प्रवेश किया, वी हैव एंटर्ड अ ब्रेव वर्ल्ड, हमने एक नए युग में प्रवेश किया, ऑफ लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, ऑफ लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, कॉमा प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण एंड ग्लोबलाइजेशन, और वैश्वीकरण में, या वैश्वीकरण के युग में, एंड ग्लोबलाइजेशन, या वैश्वीकरण के युग में, वेयर जनरेशन ऑफ वेल्थ हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां धन बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण बन गया, वेयर जनरेशन ऑफ वेल्थ हैज बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां धन बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण बन चुका है। दिस न्यू वर्ल्ड, इस नई दुनिया ने, दिस न्यू वर्ल्ड, इस नई दुनिया ने, हैज थ्रोन अप अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, ने बहुत चुनौतियां रखी हैं, हैज थ्रोन अप अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, ने बहुत चुनौतियां रखी हैं फॉर द एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम, पूर्वधारित नई प्रणालियों के सामने, फॉर द एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम, पूर्वधारित नई प्रणालियों के सामने। तो ये एजुकेशन, फैमिली और सोसाइटी कैसे मॉडिफाई होने चाहिए नए युग के हिसाब से, नया युग है तो चीजें भी बदलेंगी, फैमिली को बदलना होगा, सोसाइटी को बदलना होगा, एजुकेशन को बदलना होगा, तो बदले कैसे कि वैल्यूज क्या रहें फिर भी सेफ रहें, वैल्यूज ना बदल जाएं, और बदलें तो अच्छे से बदलें। यह है इस पॉइंट का आंसर। तो ये तीन चीजें ऐसे चेंज हो कि इंसान को थोड़ी सी सांत्वना मिल जाए, क्योंकि
क्या होता है कि लिबरलाइजेशन जो हुआ, उदारीकरण, यानी कानून जब आसान हुए और जब कानून आसान हुए तो लोगों ने बहुत सारी इंडस्ट्रियां डालना स्टार्ट कर दी। तो लिबरलाइजेशन की वजह से तीनों बदले। कौन बदले? शिक्षा बदली, समाज बदला और आपकी फैमिली भी बदली, ठीक है। लेकिन शायद उस डायरेक्शन में, उस दिशा में नहीं बदल पाई जिस दिशा में आपको क्या 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 मिलना चाहिए था, वैल्यूज मिलने चाहिए थे। तो लिबरलाइजेशन ने अच्छा काम किया या खराब? थोड़ा सा खराब काम कर दिया। सब बदला है लेकिन सही दिशा में नहीं बदला, वैल्यूज की डायरेक्शन में नहीं बदला। ऐसा नहीं बदला कि वो बदलाव वैल्यूज को प्रोटेक्ट कर सके। तो मूल्य बचे ही नहीं अब लोगों में, किस सिर्फ किसकी वजह से? लिबरलाइजेशन की वजह से। जैसे हम पहले बात करते थे जॉइंट फैमिली की, पहले लोग कैसे रहते थे? जॉइंट फैमिली के हिसाब से रहते थे, संयुक्त परिवार। फिर संयुक्त परिवार से वो क्या हो गए? टूट टूट के अलग हो गए। अब लोग कैसे रहते हैं? ठीक है, एक अलग अलग, एक सिंगल फैमिली रहती है। पहले दादा दादी काका काकी सब एक साथ रहते थे, अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली बन गई। अब न्यूक्लियर फैमिली के बाद आगे क्या होने वाला है? इंडिविजुअल, लोग अकेला रहना ज़्यादा पसंद करने लगे। इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ है, अमेरिका में यही होता, लोग फैमिली बनाना भी पसंद नहीं करते, अकेले रहना वहाँ ज़्यादा सूटेबल होता है। आज इंडिया में ज़्यादातर लोग फिर भी कुछ हद तक बड़ी फैमिली हैं, फिर उसके बाद ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली है और इंडिविजुअल बहुत कम। अमेरिका में इंडिविजुअल ज़्यादा हो गए क्योंकि वहाँ लिबरलाइजेशन बहुत ज़्यादा आया, फैक्ट्रीज ज़्यादा आई, लोगों के लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया। तो लोगों ने ज़रूरत अहमियत खो दी कि बड़ा परिवार सही भी होता है, ठीक है। तो ये बदलाव ऐसे नहीं है कि वैल्यू सिस्टम को सपोर्ट करें, ये बदलाव ऐसे हैं जो वैल्यू सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं, ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और आगे भी जो चेंजेस आएंगे वो बचे कुचे फैमिली सिस्टम को भी क्या कर देंगे? ओवर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। जैसे पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली में अगर आप रहते हो और अगर उस फैमिली में कोई एक बीमार हुआ तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक किसी ना किसी की गाड़ी तो फ्री मिली जाएगी। लेकिन जब छोटा परिवार है तब क्या करोगे? तब प्रॉब्लम बढ़ जाती है, राइट? तो ऐसा होता है, प्रॉब्लम यही है। तो एजुकेशन, अब ये तो हमने बात कर ली फैमिली की, एजुकेशन में क्या हुआ? एजुकेशन सिस्टम में भी वही हुआ। पहले जब आप शिक्षा लेते थे, पढ़ाई करते थे पुराने लोग, तो उनका जब एग्ज़ाम होता था तो पूरा थ्योरेटिकल होता था, पूरी थ्योरीज लिखनी पड़ती थी। प्राचीन समय में UPSC जब होती थी ना, सीधे थ्योरी लिखनी पड़ती थी, MCQ नहीं होते थे। तो शिक्षा में भी क्या आया? चेंजेस आए। स्कूल की एजुकेशन में भी चेंजेस आए। पहले पूरी थ्योरी लिखते थे, फिर बाद में क्या कर दिया? थोड़ा इजी कर दिया। कैसे? ये 10 क्वेश्चन है, Any 8। पहले हर क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता था, फिर क्या कर दिया? 10 हैं, 8 का जवाब दे दो। फिर उसका इजी वे लाया कि 10 क्वेश्चन है, Any 5, और ये या ये, ये या ये, ये या ये, वो कर दिया। उसके बाद और इजी किया कि भैया क्वेश्चन हटाओ, ये है क्वेश्चन, ये है 4 ऑप्शंस, एक तो बता MCQ, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? 2 ऑप्शन। भविष्य में तो ये हो जाएगा, पधारने के लिए धन्यवाद, आप परीक्षा में आ गए, पास आ गए, यही पास हो जाएगा। बदल रहा है ना एजुकेशन सिस्टम, स्कूल जा रहे हैं क्या बच्चे? नहीं जा रहे, बहुत बदल रहा है। और इससे वैल्यूज भी बदलेंगी लोगों की, सोसाइटी फ्रेगमेंट हो रही है, बिखर रही है, धीरे धीरे विखंडन हो रहा है। पहले बच्चे झुंड में खेला करते थे, आज सबको मोबाइल चाहिए और घर के अंदर अकेलापन, किसी से मिलना पसंद नहीं। तो सोसाइटी तो क्या होगी? फ्रेगमेंट ही होगी ना आगे चल के, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। ये होगा, ये बहुत होने वाला है। पहले क्या होता था? कास्ट कॉन्शियसनेस होती थी, आज क्लास कॉन्शियसनेस हो रही है। कास्ट कॉन्शियसनेस क्या होता है ये लिख लेना, एक होती है कास्ट कॉन्शियसनेस, आज होती है क्लास कॉन्शियसनेस। क्या होता है कास्ट कॉन्शियसनेस और आज क्या होता है क्लास कॉन्शियसनेस? हम सिर्फ कास्ट कॉन्शियसनेस को छोड़ देते हैं, पहले जाति व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान देते थे ना, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये हरिजन, ऐसा आज नहीं होता। होता होगा तो कहीं और होता होगा, मुझे नहीं पता, हम तो नहीं करते, हम कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करते, हम भेदभाव नहीं रखते। आज क्या होता है? आज क्लास कॉन्शियसनेस होती है। जैसे
आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे ज़्यादा आते हैं क्योंकि सब यूज़ करते हैं, फेसबुक का उदाहरण उतना वो रेलेवेंट नहीं रहेगा अभी। जब व्हाट्सएप आप यूज़ करते हो तो हमेशा आप दिखाते हो कि मैं चेक इन किया, ठीक है, स्टेटस अपडेट, स्टेटस अपडेट हर कोई करता है। और बहुत सारे लोगों में ये आदत देखी है मैंने कि कहीं से किसी दूसरे बड़े शहर में जाएंगे तो वो ज़रूर लिखेंगे वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर टू देयर एरोप्लेन से, ठीक है, क्लास दिखाना चाह रहे हैं अपनी, क्लास कॉन्शियसनेस बहुत आ गई है। हम हर अपना अपडेशन शो करने की कोशिश करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। ये लोगों की आदत होती है, अभी खोल के देख लेना व्हाट्सएप पर, चार पांच तो मिल ही जाएंगे कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपडेट किया है, वो उनको खुद नहीं पता, वो मैं बता रहा हूँ वो क्या है, क्लास कॉन्शियसनेस, उसके पीछे पड़े हुए हैं लोग। नो बडी इज़ इंटरेस्टेड, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आप खुश हो, आप दुखी हो, ठीक है, आप कैसा फील कर रहे हो, आप कितना ब्लेस्ड फील कर रहे हो ईश्वर की कृपा से, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट कहाँ हो गया, आपके साथ दुर्घटना क्या हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम अपलोड क्या करते हैं, स्टेटस हर एक चीज़ का। फीलिंग डिप्रेस्ड, खुद फील कर रहे हो डिप्रेस्ड, व्हाट्सएप स्टेटस, आज मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, लोग चेक करते हैं हट यही होता है। तुम कौन सा दूसरों का बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हो स्टेटस को, लेकिन हम जब अपलोड करें तो हमें लगता है कि लोग सीरियसली लेंगे, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। आप किसके साथ हो, आप किसके साथ नहीं हो, क्या हो रहा है आपके जीवन में, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, वो स्लाइड कर देंगे एक तरफ। चाय की टपरी पर जाके चाय पीते हो तो स्टेटस अपलोड करते हो क्या, लेकिन जब एक शहर से दूसरे शहर इंदौर जाना है तो हम स्टेटस जरूर अपलोड करेंगे, इंदौर जा रहे हैं, क्यों भैया चाय पीने जा रहे हो 5 रुपए की, वो भी अपलोड करो, नहीं उससे क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगा। और हमें क्लास बढ़ानी है तो हम वही चीज शो करेंगे जिससे हमारी क्लास दिखे और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम वो शो करना चाहते हैं। पूरा मायाजाल यही तो है व्हाट्सएप का, फेसबुक का, फेसबुक भी यही है, फेसबुक से ही तो सीखा है व्हाट्सएप ने, और किसने सिखाया दुनिया को ये सब करना, फेसबुक ने, और इंस्टा ने तो एकदम चीरफाड़ कर दी है, बोले फिल्टर भी ले ले तू तो और अच्छा दिख सुंदर। ये होता है, हम अपलोड कर देते हैं फेसबुक पे, कोई नई मूवी आई तो परिवार जाता है क्या, आप दोस्त लोग जाते हो देखने तो अपलोड होता है, वॉचिंग मूवी एट PVR सिनेमा, ओ माई गॉड गजब। ये कोई अपलोड नहीं करेगा वॉचिंग मूवी एट कृष्णा टॉकीज, PVR सिनेमा इज द क्लास, तो आप अपलोड भी नहीं करेंगे, राइट। जैसे चाय की टपरी को अपलोड नहीं करोगे, लेकिन वही चाय अगर किसी भव्य होटल में मिल रही है तो उसका स्नैपशॉट लेकर देना जरूरी है, क्योंकि वो नीड है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको क्लास चाहिए लोगों से, ऐसे बनती है क्लास। इसको क्लास कॉन्शियसनेस कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गया है लोगों में, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली वैल्यू सिस्टम को चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा यही चैलेंज है कि सोसाइटी जो है वो एक इंडिविजुअल के पास आना चाहती है, लेकिन इंडिविजुअल क्या कर रहा है, सोसाइटी से दूर जा रहा है। समाज आपके पास आना चाहता है, लेकिन आप ही क्या हो रहे हो, समाज से दूर होते जा रहे हो, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया मूल्यों का पतन, ये सुना होगा, डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज, इसको हम क्या बोल देते हैं, मूल्यों का पतन हो रहा है तुम में। आज किसी को इंटरेस्ट नहीं किसी की शादी में जाने का, बोल भी दे तो बड़ा आलस आता है, कौन जाए, कौन तैयार हो, लेकिन एक बार गलती से हो गए तैयार तो फिर अपडेट करना बहुत जरूरी है कि क्या शानदार लग रहा हूं मैं, सब देखो मोर बने फिरते हो फिर द प्रेशर ऑफ कंप्लीशन, सॉरी द प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा के दबाव के कारण, द प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा के दबाव के कारण हैज लेड टू फंडामेंटल चेंजेस इन फैमिली एजुकेशन एंड सोसाइटी। परिवार शिक्षा और समाज के मूलभूत
में मूलभूत परिवर्तन आए हैं, हैज लेड टू फंडामेंटल चेंजेस इन फैमिली एजुकेशन एंड सोसाइटी। परिवार, शिक्षा और समाज में मूलभूत परिवर्तन आए हैं, फुल स्टॉप। बट दीज चेंजेस आर नॉट चेंजेस, पर ये बदलाव ऐसे नहीं है, बट दीज चेंजेस आर नॉट चेंजेस, पर ये बदलाव ऐसे नहीं है विच प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स वैल्यू सिस्टम, जो इंसानों के मूल्यों की संरचना का संरक्षण करें। विच प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल्स वैल्यू सिस्टम, जो इंसानों के मूल्यों की संरचना का संरक्षण करें। लास्ट लाइन लिखी आज की, हेंस इसीलिए इन मॉडर्न टाइम्स, वर्तमान आधुनिक काल में, इन मॉडर्न टाइम्स वर्तमान आधुनिक काल में, इट हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट, इन तत्वों को समझना, इट हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट इन तत्वों को समझना, टू एग्जामिन द रोल ऑफ दीज एलिमेंट्स, बहुत अहम हो गया है, बिकेम मोर इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन द रोल ऑफ दीज एलिमेंट्स, इन तत्वों को समझना बहुत अहम हो गया है। अब भागवत गीता तो है नहीं जिसमें कृष्ण ने यह बोल दिया था कि बीते हुए काल और आने वाले भविष्य के बारे में मैं सब जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, नहीं आएगा समझ में, कल आएगा, ठीक है। तो कल हम आगे की कहानी समझेंगे, ठीक है। शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है, वहां से हम शुरू करेंगे, एजुकेशन आने वाला, मजा आएगा कल। थोड़ा सा डिक्टेशन हमने स्टार्ट किया था, कुछ चीजें समझी थी, हेडिंग डालिए एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। क्या आपको ये पता है कि हर सब्जेक्ट का एक उद्देश्य होता है, और सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि कुछ बच्चे उस सब्जेक्ट को पढ़कर, सब्जेक्ट तो सीखें लेकिन उनमें थोड़ी सी क्या डेवलप हो, वैल्यूज। मैथ्स भी हम पढ़ते हैं ना, तो वो भी एक प्रकार की वैल्यूज आप में जगाता है, कुछ मूल्य आप में इनबिल्ट करता है। तो हर सब्जेक्ट जो है वो इनकलकेट क्या करता है आप में, वैल्यूज। कैसे पता है? ये नहीं पता, क्योंकि जब भी हम कोई भी बुक खरीदते हैं तो उसका पहला पन्ना हम नहीं पढ़ते, डायरेक्ट चैप्टर वन शुरू हो गए, जबकि उसके पहले के दो तीन पेज जो अपन वेस्ट मानते हैं कि ये तो कचरा है, एक्नॉलेजमेंट अगर हम ध्यान से पढ़ें तो उसमें वो लेखक भी बोलता है कि ये पढ़ोगे ना तो आप जीवन में ऐसे इंसान बनोगे, तो कभी बताया ही नहीं हमने, हमको किसी ने, ठीक है। अब ये टीचर्स को ही नहीं पता तो आपको कैसे पता होगा, राइट। और मुझे ये लगता है कि टीचिंग की जो फील्ड है उसमें रिजर्वेशन करना थोड़ा सा गड़बड़ होता है, टीचर्स की जो फील्ड होती है उसमें रिजर्वेशन शायद नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब प्रोफेसर बने हो तो क्या ऐसे टाइम पास के लिए बने हैं अपन, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली यूथ की हायरार्की अगर अपन देखो कि जो नॉर्मल यूथ होता है, अपन नॉर्मल नहीं है, अपन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं नॉर्मल युवाओं की बात कर रहा हूं, उनकी अगर हायरार्कियों को अपन ध्यान से देखें तो उनका सबसे पहला सपना तो ये होता है कि जीवन में उनको करना क्या है, और उनका पहला सपना ये होता है कि अपन क्या करेंगे, क्या करना है सर, तो सर एमएनसी कंपनी में जॉब करना है। एमएनसी में ही सी कंपनी होता है, नहीं, एमएनसी कंपनी में जॉब करना है, मल्टीनेशनल कंपनी, अंतरराष्ट्रीय कंपनी में जॉब करना है, गूगल, ट्विटर, फेसबुक, वहां जॉब करना है। फिर जब वो नहीं मिलती है तो बोल देते हैं कि नहीं सर इंडियन भी चलेगी, प्राइवेट सेक्टर, भारतीय कंपनी भी चलेगी। फिर जब वो नहीं मिल पाती है तो फिर आता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। फिर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिल पाता है तो फिर सोचते हैं कि नहीं यार बिजनेस कर लेंगे, और बिजनेस भी नहीं हो पाता है, फिर फाइनली क्या आता है, क्या बनेंगे, टीचर बनेंगे। तो सोचो कितने चक्कर लगा के आया मैं, तब जाके मैं टीचर बना।
अब आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको वैल्यू समझाएगा, वो खुद घूम फिर के आया है और फिर जाके वो क्या बना है, टीचर बना है, राइट। तो वैल्यू सिस्टम वगैरह वो पढ़ा है तो वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब टीचर एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसको कोई सीरियसली नहीं लेता। कभी स्कूल में लिया किसी टीचर को सीरियस? किसी भी टीचर को आपने सीरियस नहीं लिया, जिसका नुकसान अपन देख ही रहे हैं यहां बैठे हैं, राइट। तो हर स्कूल और कॉलेज में आपको यही देखने को मिलेगा कि कोई भी ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं करता है। देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। आपको पता होने चाहिए कि शिक्षा के उद्देश्य होने क्या चाहिए। पहला पॉइंट, पहला होता है शिक्षा का उद्देश्य मोरल एम, नैतिक उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या होता है? मोरल एम, नैतिक उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य सबसे पहला होता है मोरल एम। आप में क्या डेवलप हो? मोरालिटी डेवलप हो, नैतिकता, अच्छा बुरा का फर्क समझ जाओ आप, ये डेवलप हो आप में, इसलिए तो शिक्षा होती है। डिक्टेशन लिखो इसका, दिस इज कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम एम, इसे ही सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ सुप्रीम एम, इसे ही सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है। एंड ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स, और सभी बाकी लक्ष्य, एंड ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स और सभी बाकी लक्ष्य आर रिकनसाइल्ड टू दिस पर्टिकुलर एम, इसी लक्ष्य में समायोजित होते हैं, आर रिकनसाइल्ड टू दिस पर्टिकुलर एम, इसी लक्ष्य में समायोजित होते हैं, फुल स्टॉप। द टीचर इज सपोज टू इम्पार्ट हायर आइडियाज, शिक्षक को बच्चों में, द टीचर इज सपोज टू इम्पार्ट हायर आइडियाज, शिक्षक को बच्चों में, टू द चिल्ड्रन, में उच्च गुणों का विकास करना चाहिए। इम्पार्ट हायर आइडियाज टू द चाइल्ड, शिक्षक को बच्चों में उच्च गुणों का विकास करना चाहिए। ब्रैकेट में लिखना हा हा हा, क्यों? ये होता ही नहीं है। शिक्षक बच्चों में क्या करे? उच्च गुणों का विकास करे। मुश्किल काम है। उच्च गुणों का मतलब क्या? उच्च मार्क्स वही हो जाता है कन्वर्ट, उच्च गुण एक तरफ हो जाते हैं और उच्च मार्क्स का विकास करो, बस गुण साइड में रहने दो, नंबर ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन नहीं होती आपको, कहां से पढ़ लिए यार, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, जहां से पढ़े, स्कूल से। सेकंड, सोशियल एम, शिक्षा का दूसरा उद्देश्य होता है सामाजिक उद्देश्य। बीमार समाज में आप एडजस्ट हो गए, ज्यादा बीमार कौन? हम ही ना, हम बोलते ना समाज बीमार हो चुका है। कैसा समाज है ये? खुद भी एडजस्ट भी हो रहे हो, ज्यादा बीमार कौन, समाज या आप? क्योंकि आप क्या हो लिए? एडजस्ट, राइट। आपकी क्या ओपिनियन है सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में आपके विचार क्या हैं? ऐसा अगर आपसे पूछ लिया जाए इंटरव्यू में, क्या ऑप्शन रहेंगे आपके पास में? हाँ, समाज घटिया है। इट डिपेंड्स कि किस समाज में मैं रह रहा हूं। आप यही बोलोगे ना, या तो आप बोलोगे समाज अच्छा होता है, या आप बोलोगे समाज बुरा होता है, या आप बोलोगे कि नहीं समाज में जीना जरूरी होता है, या फिर आप बोल दोगे समाज में जीना जरूरी नहीं होता। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, नहीं? मेरे को समाज में से कोई लेना देना ही नहीं है। एक तरीके से मैं आउटडेटेड हूं, मेरे को अकेले रहने में ही अच्छा लगता है। तो सामाजिक लक्ष्य होते हैं कुछ जो बड़े जरूरी होते हैं, ठीक है। तो समाज में जीने के लिए आपको समाज में सामंजस्य लाना जरूरी है, मतलब आपको जिस समाज में रहना है उस समाज की क्वालिटी आप में होना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, समाज में जीने के लिए जो गुण लगते हैं वो गुण आप में ना हो तो आप समाज में एडजस्ट
नहीं हो पाओगे। तो आपको उन गुणों को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके एजुकेशन का दूसरा एम कंप्लीट होगा, सामाजिक लक्ष्य, कि हाँ ये बच्चा अब समाज में रह सकता है। शिक्षा का ये क्या हुआ? दूसरा लक्ष्य। इसका डिक्टेशन लिखो। द सोशल एम ऑफ एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य में होता है, द सोशल एम ऑफ एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों में होता है इनकल्केटिंग स्किल्स एंड क्वालिटीज, कौशल एवं गुणों को बनाना, इनकल्केटिंग स्किल्स एंड क्वालिटीज, कौशल और गुणों को बनाना इन द स्टूडेंट, विद्यार्थी में, इन द स्टूडेंट, विद्यार्थी में, विच वुड अनेबल हिम, जिसके कारण वो समाज का हिस्सा बनता है, विच वुड अनेबल हिम टू एग्जिस्ट, जिसके कारण वो समाज का हिस्सा बनता है, टू एग्जिस्ट इन हार्मनी विद द सोसाइटी, और समाज के साथ सामंजस्य बनाता है, टू एग्जिस्ट इन हार्मनी विथ द सोसाइटी, और समाज के साथ सामंजस्य बनाता है। शिक्षा का यह दूसरा लक्ष्य है, आपको जंगली से मानव बनाना, ताकि आप समाज में रह सको, नहीं तो समाज जंगलियों को बाहर कर देता है। यह शिक्षा का दूसरा लक्ष्य है। थर्ड, तीसरा लक्ष्य होता है शिक्षा का रिलीजियस एम, धार्मिक उद्देश्य, रिलीजियस एम, धार्मिक लक्ष्य। वो वाय और व्हाट की कहानी तो हमने पहले से ही देख ली थी। धर्म आपको क्या बताता है? व्हाट। वाय तो क्या है? गॉड। एक ही आंसर है, जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की वजह से हो रहा है। रिलीजियस एम्स में लिखी है, ओनली थ्रू रिलीजन, केवल धर्म के माध्यम से ही, ओनली थ्रू रिलीजन, केवल धर्म के माध्यम से ही, कैन द यूथ फाइंड द वे, युवाओं को मूल्यों के मार्ग पर, कैन द यूथ फाइंड द वे, युवाओं को मूल्यों के मार्ग पर, टू अल्टीमेट वैल्यूज ले जाया जा सकता है, टू अल्टीमेट वैल्यूज ले जाया जा सकता है। बाय द वे किसने कहा? ये गांधी जी ने कहा है, ब्रैकेट में लिख लेना, सेट बाय गांधी जी। धर्म के रास्ते इस पर चलेंगे तभी युवाओं में क्या आएंगे? मूल्य आएंगे, गुण आएंगे समाज में रहने के, एजुकेट होने के, ये बोला है गांधी जी ने, फुल स्टॉप। अलोंग विथ साइंटिफिक टेम्पर, इसके साथ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सोच का विकास, अलोंग विथ साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिचुअल टेम्पर, इसके साथ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सोच का विकास, इज ऑल्सो नीडेड टू बी डेवलप्ड, भी जरूरी होता है। स्पिरिचुअल टेम्पर ऑल्सो नीड्स टू बी डेवलप्ड, आध्यात्मिक सोच का विकास भी जरूरी होता है। मतलब पहली लाइन तो होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या जरूरी है? कौन सी सोच बनना? वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक थॉट, और दूसरा स्पिरिचुअल सोच। ये दोनों सोच का होना भी बहुत जरूरी होता है, नहीं तो क्या होगा? अदरवाइज, अन्यथा, द इंटेलेक्ट बिकम्स द मास्टर, बुद्धि का स्वामित्व रहेगा, द इंटेलेक्ट बिकम्स द मास्टर, अन्यथा बुद्धि का स्वामित्व रहेगा, एंड पर्सनैलिटी बिकम्स द स्लेव, और चरित्र दास बनकर रह जाएगा, एंड पर्सनैलिटी बिकम्स द स्लेव, और चरित्र दास बनकर रह जाएगा। और बाय द वे ये आइंस्टाइन ने बोला है, पहली लाइन गांधी जी ने बोली और दूसरी लाइन आइंस्टाइन ने। धर्म के रास्ते पे चलो, वैल्यूज बढ़ेंगी, लेकिन साथ साथ में वैज्ञानिक सोच भी रखो और आध्यात्मिक सोच भी रखो, विज्ञान को भी मानो और साथ साथ में ईश्वर को भी मानो।
तो आगे बढ़ सकते हैं, और ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा, बुद्धि आपकी मालिक बन जाएगी और चरित्र आपका नौकर। किसका? बुद्धि का। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज क्या होता है, इसका उल्टा होता है, जो लिखा है वही होता है, बुद्धि मालिक है और चरित्र उसका दास होता है। ये होना नहीं चाहिए, चरित्र मालिक होना चाहिए और उसके हिसाब से बुद्धि चलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भारत का जो यूथ है वो स्पिरिचुअलिटी से भागता है, मंदिर नहीं जाना, सत्संग में नहीं बैठना, माँ बाप की नहीं सुनना, वो भी तो सत्संग ही होता है, वो जब समझा रहे होते हैं तो अपन दूर हो जाते हैं। तो भारत का युवा स्पिरिचुअलिटी से भागता है और किसकी तरफ जाता है, मटेरियलिज्म की तरफ। माँ बाप अगर कुछ अच्छी बातें सुनाएंगे तो हमको बुरा बहुत लगेगा और हम दूर भागेंगे, वही माँ बाप आईफोन दिलाने जाएंगे तो सबसे ज्यादा प्यार भी उमड़ेगा। तो स्पिरिचुअलिटी से आप दूर भाग गए और मटेरियल की तरफ आप ज्यादा चले गए, ये होता है, मतलब इस पूरी लाइन का उल्टा होता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि आपको यह बताएगी कि आग के लिए लकड़ी जरूरी है, लेकिन आध्यात्म आपको क्या बताएगा कि अगर वनों को काटा तो पर्यावरण को बहुत नुकसान हो सकता है। आया कुछ समझ में? तो बुद्धि कभी मालिक नहीं बननी चाहिए, चरित्र मालिक बनना चाहिए या आध्यात्म मालिक बनना चाहिए। बुद्धि आपको क्या बताएगी, आग चाहिए, आग कहां से लाएं, बुद्धि बताएगी लकड़ी ला, लाते जा, आग चलती चली जाएगी। लेकिन आध्यात्म यानी सोच विचार आपको क्या बताएगा कि अगर बहुत लकड़ियां काट दी तो वन खत्म हो जाएंगे, जंगल खत्म हो जाएंगे और उससे एनवायरमेंट खराब हो जाएगा। रोकता कौन है बुद्धि को, आध्यात्म, कि वो भागे ना। और लोगों को रोकने के लिए जो आध्यात्म चाहिए वो आध्यात्म बचा नहीं, इसीलिए लोग वनों को काटे जा रहे हैं। बुद्धि है, मशीन बना ली वन काटने की, लेकिन ये बुद्धि नहीं आई या ये आध्यात्म नहीं आया कि हम गलत कर रहे हैं, ये चीज है। तो रिलीजन ये सब समझाता है। चौथा होता है एनवायरमेंटल एम, पर्यावरणीय उद्देश्य, एनवायरमेंटल एम, पर्यावरणीय उद्देश्य। इसमें लिखो, टू बी ट्रूली सिविलाइज्ड, मानवता इसी में है, टू बी ट्रूली सिविलाइज्ड, मानवता इसी में है, वन शुड लुक एट ऑल क्रिएशन, कि संपूर्ण रचना को हम एक मित्र के रूप में देख सके। वन शुड लुक एट ऑल क्रिएशन विद द आईज ऑफ द फ्रेंड, कि संपूर्ण रचना को हम एक मित्र के रूप में देख सकें, क्रिएशन विद द आईज ऑफ द फ्रेंड। हम सभ्य कब होंगे, जब हम आसपास की सारी चीजों को, हर कीड़े मकोड़े जानवर को, पेड़ को किस नजरों से देखें, एक दोस्त की नजर से देखें। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज नीडेड, पर्यावरण की शिक्षा देना जरूरी है। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज नीडेड, पर्यावरण की शिक्षा देना जरूरी है। टू प्रमोट सिटीजन अवेयरनेस, ताकि लोगों को जानकारी मिले। टू प्रमोट सिटीजन अवेयरनेस, ताकि लोगों को जानकारी मिले। एंड अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट, और उसकी निर्भरता का ज्ञान पहले से हो। एंड अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट, और उसकी निर्भरता का ज्ञान पहले से हो। तो एजुकेशन का चौथा पॉइंट क्या होता है, एम क्या होता है, एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी देना, कि एनवायरनमेंट हमारे लिए जरूरी होता है। तो स्कूल करते हैं क्या, ये स्कूल करते हैं, वो साल में एक बार एक ही जगह पेड़ उगाना, वो पेड़ ही गायब हो जाता है हर साल, स्कूल वाले ले जाते हैं ना, यहां पेड़ लगाओ, अगले साल जाओगे पेड़ गायब, बोले यहीं लगा दो वापस। साल में एक दिन आता है, उसको हम 5 जून कहते हैं, एनवायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस। वी हैव अ डे फॉर लव, फॉर फ्रेंडशिप, हर एक का डे बना रखा है ना हमने, तो एनवायरमेंट का भी बना रखा है। प्यार करने का एक दिन है, ठीक है, दोस्ती का एक दिन होता है, महिलाओं का एक दिन होता है, आजकल योग का भी एक दिन होता है,
अलग अलग दिन होते, तो बनने चाहिए दिन, ऐसा होना चाहिए। नो टेक्नोलॉजी डे, उस दिन आप कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज ही मत करो। कितना अच्छा लगेगा उस दिन? नहीं लगेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। एक बार प्लीज, एक बार इंस्टाग्राम प्लीज, एक बार खोल के, ठीक है। नो स्टडी डे, अब वो तो रोज ही होता है ये तो रोज मनाते हैं अपन धूमधाम से, आज नहीं पढ़ेंगे, आज नो स्टडी डे, रोज चल रहा है। टोबैको डे, अरे तो एंटी टोबैको डे बोलो ना, तंबाकू दिवस शुरू हो जाओ उस दिन रिलीजन डे होना चाहिए, तो वो तो हर त्योहार होता है, हर त्योहार अपने आप में एक रिलीजन डे है। नो टेररिस्ट डे, आज कोई बम नहीं फेंकेगा किसी भी देश पे, कम से कम एक दिन तो शांति से जिएंगे लोग उस देश के। नो योगी आदित्यनाथ डे, नो मोदी डे, एक दिन मोदी को माना ही नहीं जाएगा, ला रहे बुरे दिन वापस दे दे हमको हमारे। पांचवा होता है उद्देश्य शिक्षा का, वो होता है बिहेवियोरल एम, बहुत जरूरी है। हिंदी में लिखिए व्यवहारात्मक उद्देश्य, व्यवहारात्मक उद्देश्य, बिहेवियोरल एम। बिहेव कैसे करना है लोगों के साथ, हर सब्जेक्ट वो भी सिखाता है, ठीक है। लिखो, अ स्टूडेंट शुड बी मेड टू लर्न, एक छात्र को सिखाना चाहिए कि, अ स्टूडेंट शुड बी मेड टू लर्न, एक छात्र को सिखाना चाहिए कि, मेड टू लर्न हाउ टू बिहेव एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, कि समाज के जिम्मेदार नागरिक की तरह कैसे आचरण करें। हाउ टू बिहेव एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, कि समाज के जिम्मेदार नागरिक की तरह कैसे आचरण करें। देखो यार, शिक्षा का, एजुकेशन का मजाक उड़ाते उड़ाते 5 घंटे हो जाएंगे, मैं नहीं थकूंगा। शिक्षा का बहुत मजाक उड़ाया जा सकता है, ठीक है, पर हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम ये है कि ये जो 5 पॉइंट हैं, क्या ये 5 पॉइंट आपको आपके स्कूल ने या कॉलेज ने दिए, नहीं दिए। दूसरी प्रॉब्लम, ये 5 चीजें आपको स्कूल में सिखाई नहीं गई, प्लस एनरोलमेंट की जो रेट है वो बहुत कम है, प्लस ड्रॉपआउट की रेट क्या है, बहुत ज्यादा है। स्कूल में ये 5 चीजें सिखाई नहीं, स्कूल में एडमिशन कम होते हैं, और स्कूल में जो एडमिशन होते हैं उसमें छोड़ने वाले क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ऑल ओवर इंडिया में देखो तो कितने बच्चे 5वीं तक पढ़ते हैं, 5वीं के बाद अचानक से गिरावट आती है, आधे बच्चे हो जाते हैं, और फिर वो 6ठी से 10वीं तक पहुंचते हैं। 10वीं के बाद बहुत सारे लोग ड्रॉप कर देते हैं, फिर बचे हुए 11वीं 12वीं करते हैं, फिर 11वीं 12वीं के बाद लोग छोड़ देते हैं कि 12th होगी काफी यार, फिर उसके बाद वो लोग कॉलेज करते हैं, फिर फर्स्ट ईयर कितने करते हैं फिर छोड़ देते हैं बीच में, फिर जैसे तैसे कॉलेज होती कितने कम लोग हो जाते हैं, और कॉलेज के बाद फिर मास्टर्स और कम, पीएचडी में 2-4। तो पूरे भारत में ये स्थिति बनी हुई रहती है। चलो ठीक है, मान लो किसी दिन एडमिशन बढ़ गए इंडिया में और ड्रॉपआउट घट गए इंडिया में, भयंकर एडमिशन हो गए, हर बच्चे ने बोला मैं पूरा पढ़ाई करूंगा, अब 10वीं तक नहीं 12वीं भी करूंगा, ग्रेजुएशन भी करूंगा, मास्टर्स भी करूंगा, पीएचडी भी जाऊंगा, और बीच में छोड़ूंगा भी नहीं पढ़ाई, क्या हम उस स्टेज पर हैं कि भारत सरकार इतने कॉलेज और स्कूल दे पाएगी? 135 करोड़ लोग हैं, 12 से 15 करोड़ तो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, 12-15 करोड़ में से एक्चुअल पढ़ाई करने वाले जो एडमिशन ले चुके लोग हैं वो 6-7 करोड़ मिलेंगे आपको। सभी 20-30 करोड़ ने बोल दिया कि ये 6 करोड़ के साथ आने वाले हम, 20 करोड़ एक साथ, हमको पढ़ना है आज। इतने स्कूल हैं जो उस कैपेसिटी को हैंडल कर लेंगे, इतने कॉलेज हैं जो उस कैपेसिटी को हैंडल कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट के पास संसाधन ही नहीं है। मतलब हम जब बेसिक एजुकेशन में हार रहे हैं,
बच्चे को नर्सरी में दाखिला नहीं दिलवा पा रहे हैं गरीब बच्चे को सरकारी स्कूल में, और वो बच्चा इंटरेस्टेड भी नहीं है, और ऊपर से फैमिली भी इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब बेसिक एजुकेशन उसको नहीं मिल पा रही है, तो कहां हम वैल्यू एजुकेशन और इन चीजों की बात करने लगे। पहले मूल तो सुधारो, एडमिशन सुधारो। और ऐसा नहीं सरकार कोशिश नहीं करती है, एडमिशन लाने की खूब कोशिश करती है, बट एडमिशन के नाम पे लोग क्या देते हैं, धोखा, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप आउट। पढ़ रहा था, इच्छा नहीं हुई, टीचर ने डांट दिया, भाग गया, नहीं पढ़ना, वो एक दिन में उसने लाइफ को बर्बाद कर लिया। लिखिए डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय संस्कृति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय संस्कृति के अनुसार एजुकेशन इज नॉट मियरली मीन्स ऑफ अर्निंग, शिक्षा केवल जीवन जीविका कमाने का साधन नहीं है। एजुकेशन इज नॉट मियरली मीन्स ऑफ अर्निंग्स, शिक्षा केवल जीविका कमाने का साधन नहीं है। शिक्षा क्या है, पैसे कमाना, वो सिखा दो, उसको हम शिक्षा मानते हैं। इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से शिक्षा ये नहीं होती कि बस शिक्षा मिल गई अब आप पैसे कमाओगे, ये शिक्षा नहीं है। इट इज द इनिशिएशन इनटू अ लाइफ, यह भावनात्मक जीवन, इट इज द इनिशिएशन इनटू अ लाइफ, यह भावनात्मक जीवन ऑफ स्पिरिट ट्रेनिंग एवं सत्य की खोज, ऑफ स्पिरिट ट्रेनिंग एवं सत्य की खोज, ऑफ ह्यूमन सोल्स एवं पुण्य के आभास की दिशा में प्रशिक्षण है। वाह वाह, ऑफ स्पिरिट ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन सोल्स, पुण्य के अभ्यास की दिशा में प्रशिक्षण है। तो शिक्षा सिर्फ कमाने के लिए लायक बनाना नहीं होता है, ह्यूमन सोल्स को इतना एनलाइटन कर देना कि पुण्य करो, वो होता है शिक्षा। इन परसुएट ऑफ ट्रुथ एंड प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यू, हिंदी वालों ने तो पूरा ही लिख लिया, पुण्य के अभ्यास की दिशा में प्रशिक्षण है। इन परसुएट ऑफ ट्रुथ एंड प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यू, फुल स्टॉप। एजुकेशन एम्स एट डेवलपिंग द 3H, शिक्षा से 3H का विकास होता है। एजुकेशन एम्स एट डेवलपिंग द 3H, शिक्षा से 3H का विकास होता है। किसका, हैंड, हेड एंड हार्ट, हाथ मस्तिष्क और हृदय। हैंड, हेड एंड हार्ट, हाथ मस्तिष्क और हृदय, लिखना, सोचना, निर्णय लेना, ये 3H के डेवलपमेंट होने चाहिए, तब उसको हम शिक्षा मानेंगे। बाय डूइंग दिस, ऐसा करने से, बाय डूइंग दिस, ऐसा करने से अ ह्यूमन सोल इज अवेकन्ड, मानव के आत्मा की जागृति होती है। अ ह्यूमन सोल इज अवेकन्ड, मानव के आत्मा की जागृति होती है, फुल स्टॉप। एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया होती है। एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया होती है। सिलेबस की शुरुआत से सिलेबस का अंत शिक्षा हो गई नहीं होता है, वो चलता जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता है, और डायनेमिक भी होता है, गतिशील के साथ साथ बदलता भी है। यूपीएससी सिलेबस बदलता है, करंट अफेयर्स रोज बदलते हैं, तो ये होती है शिक्षा। इट लीड्स टू एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन, इससे व्यक्ति का संपूर्ण क्षेत्रों में विकास होता है। इट लीड्स टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन, इससे व्यक्ति का संपूर्ण क्षेत्रों में विकास होता है। फील्डिंग कर पाओगे, बैटिंग कर पाओगे, बॉलिंग कर पाओगे, ऑलराउंडर।
एंड क्रिएट्स अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बनता है. एंड क्रिएट्स अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बनता है. फुल स्टॉप. आप सभी के और हमारे फेवरेट लिखिए. अकॉर्डिंग टू विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल के अनुसार, उसके अनुसार तो ये भी था कि गांधी जी की अर्थी मैंने बना रखी है, बस आके लेटना है उसको. ठीक है, इंडिया के लिए बुरा था, लेकिन दो चार बातें तो अच्छी कर ही देते हैं. बंद घड़ी भी दो बार सही समय दिखाती है. विंस्टन चर्चिल, अकॉर्डिंग टू विंस्टन चर्चिल, चर्चिल के अनुसार, द एम ऑफ यूनिवर्सिटी इज टू टीच विजडम नॉट ट्रेड. वाह वाह, क्या बोल रहे हैं लोग. महाविद्यालयों का लक्ष्य ज्ञान देना होना चाहिए, व्यापार कराना नहीं. द एम ऑफ यूनिवर्सिटी इज टू टीच विजडम नॉट ट्रेड. विद्यालयों का लक्ष्य ज्ञान देना होना चाहिए, ना कि व्यापार करवाना. खुद क्या कर रहे हो, मतलब ज्ञान देने में सब आगे हैं और रियलिटी में खुद क्या कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक, खैर वो तो खत्म हो गई थी. ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज थ्रू एजुकेशन. शिक्षा के माध्यम से डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से मूल्यों का विकास. डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से मूल्यों का विकास. मतलब अपन पता है क्या देखने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप में कौन सी वैल्यू लाता है. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, इससे आपको सीखने को क्या मिलता है, आप लाइफ में कैसे बन जाने चाहिए, बनते हो नहीं बनते हो आप पे डिपेंड है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज, सबसे महत्वपूर्ण मूल्य. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज, सबसे महत्वपूर्ण मूल्य विच एजुकेशन डेवलप्स आर, जो शिक्षा देती है वे हैं. दैट एजुकेशन डेवलप्स आर, जो शिक्षा देती है वे हैं. पहला, हायर एंड नोबल आइडियाज, उच्च और नेक विचार. हायर एंड नोबल आइडियाज, उच्च और नेक विचार. कौन से सब्जेक्ट पढ़ के आएगा उच्च और नेक विचार? लैंग्वेजेस, डैश करके लिखो लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश. टेंथ में पढ़ी होंगी ना इंग्लिश, कहानियां ही कहानियां होती है हर चैप्टर में. क्या सिखाते हैं वो? हायर एंड नोबल आइडियाज, उच्च और नेक विचार. अच्छी बातें ही सिखाते हैं ना, बढ़िया बातें चलती हैं. हिंदी पढ़ो या इंग्लिश पढ़ो, चैप्टर्स जो स्टोरियां होती हैं वो आपको ये सिखाती हैं. तो ये कौन सिखाता है? लैंग्वेज सब्जेक्ट्स ये सिखाते हैं. ठीक है, जैसे जब भी आप नए नॉवेल पढ़ोगे तो हमेशा आपको नए आइडियाज मिलेंगे, तो नए नॉवेल पढ़ते रहना चाहिए. हर नए नॉवेल, चेतन भगत टाइप के नहीं, थोड़े से अच्छे लोगों के, दूसरे नहीं तो दूसरी वैल्यू डेवलप होंगी आपकी, प्रेम भावना वाली. सेकेंड, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र का महत्व. सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा डेवलप्स बाय धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र का महत्व. डेवलप्स बाय स्टडिंग सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान से बनता है या मिलता है. धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, इन सब का महत्व कहां से आता है, वो वैल्यूज कहां से आती हैं आप में? सोशल साइंस पढ़ के, सोशल स्टडीज पढ़ के. थर्ड, एनवायरमेंट एंड कंजर्वेशन, पर्यावरण एवं संरक्षण. एनवायरमेंट एंड कंजर्वेशन, पर्यावरण एवं संरक्षण. ज्योग्राफी, भूगोल, ज्योग्राफी पढ़ के आप में ये वैल्यू आनी चाहिए, एनवायरमेंट के बारे में जानना और कौन से जीव खतरे में है उनको बचाना, ये सब नॉलेज, ये वैल्यूज आप में होने चाहिए. ठीक है, अजगर देख लिया, काट डाला, मार डाला. अब वो रेयर था, वो दुर्लभ था, दिखता दिखाई नहीं देता था,
ज्योग्राफी आपको ये चीजें सिखाएंगी। चौथा, थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स, बचत व सही खर्च। थ्रिफ्ट, THRIFT, थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स, बचत एवं सही खर्च। इकोनॉमिक्स, बचत करना और सही से खर्च करना। इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ते हम बजट वगैरह, घर के बजट से लेकर देश का बजट, वो इकोनॉमिक्स सिखाता है। पांचवा, कोऑपरेशन एंड ओबीडियंस ऑफ लॉ, आपसी सहयोग व कानून के लिए इज्जत। कोऑपरेशन एंड ओबीडियंस ऑफ लॉ, आपसी सहयोग व कानून के लिए इज्जत। सिविक्स, सिविक्स नागरिक शास्त्र - सिविक्स नागरिक शास्त्र। छठा, नीटनेस एंड एक्यूरेसी, सफाई व सटीकता। नीटनेस एंड एक्यूरेसी, सफाई व सटीकता। मैथमेटिक्स, इसलिए तो नहीं जमता अपन को, क्वालिटी क्या देता है वो, नीटनेस एंड एक्यूरेसी। ठीक है, नॉर्मल में ही अपन एक्यूरेट नहीं होते, मे बी करते रहते, हाँ होगा, वो मैथ्स सिखाता है क्योंकि वो सटीक होता है। सातवां, एलिमेंट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के तत्व। एलिमेंट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के तत्व। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। केमिस्ट्री, फिजिक्स आ जाती है इसके अंदर, बायोलॉजी, प्रकृति के सारे तत्व आ जाते हैं, फुल स्टॉप। तो ये सब्जेक्ट्स आपको ये मूल्य में वर्धन करते हैं। अब उसके अलावा और क्या होता है सब्जेक्ट के अलावा? को कैरिकुलर एक्टिविटीज हुई है स्कूल में, नाच गाने के अलावा वही को कैरिकुलर होता था। चार्ट वार्ट बनाए हो कभी, चिपकाया है दीवालों पे? स्कूल में करते हैं ना ऐसा कुछ, फिर जब साल खत्म हो जाता तो सब फाड़ फाड़ दे के मूल्य सिखाए गए हैं। ठीक है, एक देखा था मैंने, स्कूल था और ट्वेल्थ खत्म हुई थी बच्चे की, तो सब सारे बच्चे छोड़ के जा रहे थे स्कूल को, तो लड़के अलग ही होते हैं, ये पंखे थे ना उनकी पंखुड़ियां मोड़ दी, कटोरी जैसा घूम रहा बोले जाते जाते कुछ यादें वैल्यूज मतलब ये पांच तो उस स्कूल में तो नहीं सिखाए गए हैं। ठीक है, को कैरिकुलर एक्टिविटीज, सह पाठ्यक्रम गतिविधि। को कैरिकुलर एक्टिविटीज, सह पाठ्यक्रम गतिविधि भी ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन मेकिंग वैल्यूज, मूल्य बनाने में। सेटिंग कराने, जो भी मूल्य बनाने में, लिखना मूल्य बनाने में। को कैरिकुलर एक्टिविटीज अपन किसी और काम के लिए जाते हैं, एक तो क्लास से बच जाएंगे, दूसरा जो भी है मन में वो करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम आर, इनमें से सबसे प्रमुख मूल्य बनते हैं, इससे सबसे मुख्य मूल्य बनते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम आर, इससे मुख्य मूल्य बनते हैं, किससे? को कैरिकुलर एक्टिविटीज से। डिसिप्लिन अनुशासन कॉमा टीम वर्क, साथ साथ काम करना। एक्सेट्रा, आगे नहीं बोलूंगा, इत्यादि। ये वैल्यूज बननी चाहिए। को कैरिकुलर एक्टिविटीज से ही तो शुरू होता है स्कूल, प्रेयर होती है ना, एक ही लाइन में लगते हैं सब, वो भी एक अलग ही माहौल रहता है उस वक्त लोगों का। अभी अभी स्कूल आए हैं, लाइन में लगेंगे, छोटी हाइट वाले सबसे आगे, फिर धीरे धीरे करके पिरामिड बनाएंगे अपन। उसका रीजन है ना, छोटे वाले पीछे चले गए दिखेंगे ही नहीं। तो उससे अनुशासन आता है, डिसिप्लिन, लाइन में सीधे खड़े रहना। और फिर आगे वाले तो बिल्कुल सीरियस रहते हैं, तो छोटी हाइट वालों में सबसे पहले अनुशासन आता है, फिर लंबी हाइट वाले, उनका अलग ही चल रहा होता है कुछ, उनका माहौल ही अलग चल रहा होता है कुछ।
ठीक है। अब आते हैं सबसे जरूरी भाग पर, जिसके बिना शिक्षा अधूरी है, शिक्षक। ठीक है, मान लेते हैं सबसे जरूरी भाग क्या होता है शिक्षा का, शिक्षक, टीचर्स। देखो टीचर्स की जो अच्छी क्वालिटी होती है वो अब्सॉर्ब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। लिखो क्या क्या होता है, लिखो टीचर्स, शिक्षक। इसमें लिखिए, इफ वन कैन नॉट प्रैक्टिस वैल्यूज, अगर कोई व्यक्ति स्वयं मूल्यों का पालन नहीं कर सकता, इफ वन कैन नॉट प्रैक्टिस वैल्यूज, अगर कोई व्यक्ति स्वयं के मूल्यों का पालन नहीं कर सकता, वन शुड नॉट ट्राई टू परस्यू टीचिंग एज अ जॉब, तो उसे शिक्षक के व्यवसाय में नौकरी नहीं करनी चाहिए। वन शुड नॉट ट्राई टू परस्यू टीचिंग एज अ जॉब, तो उसे शिक्षक के व्यवसाय में नौकरी नहीं करनी चाहिए। अर्पित सर, ब्रेकिंग। अगर कोई ऐसा है जो अपने मूल्यों का ही पालन नहीं कर सकता तो उसको शिक्षक नहीं बनना चाहिए। ईच टीचर इज फर्स्ट अ मोरल एजुकेशन टीचर, प्रत्येक शिक्षक नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाला शिक्षक है। ईच टीचर इज फर्स्ट, प्रत्येक शिक्षक नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाला शिक्षक है। इज फर्स्ट अ मोरल एजुकेशन टीचर, देन अ टीचर ऑफ हिज सब्जेक्ट, बाद में अपने विशिष्ट विषय का शिक्षक। देन अ टीचर ऑफ हिज सब्जेक्ट, बाद में अपने विशिष्ट विषय का शिक्षक। सिंपल है, कोई भी टीचर है वो सबसे पहले क्या होगा, मोरल टीचर होगा, उसके बाद में वो अपना सब्जेक्ट टीचर रहेगा। टीचर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शिक्षकों की यह जिम्मेदारी होती है, हाँ हमारी जिम्मेदारी है सारी। तो टीचर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शिक्षकों की जिम्मेदारियां होती है, टू शो देम टू शो देम देयर मॉडल्स एंड आइडल्स टू द चिल्ड्रन, कि वे छात्रों के मार्गदर्शक बने। टू शो देम देयर मॉडल्स एंड आइडल्स टू द चिल्ड्रन, कि वो छात्रों के क्या बने, मार्गदर्शक वगैरह बने। मतलब शिक्षक क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव का अपोजिट क्या होता है, डिसएसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि मुझे इसके जैसा बनना है, एसोसिएटिव। डिसएसोसिएटिव का मतलब होता है कि कुछ भी हो जाए मेरे को इसके जैसा नहीं बनना है। तो टीचर्स कैसे होने चाहिए, एसोसिएटिव होने चाहिए, इनके जैसा बनना है, डिसएसोसिएटिव नहीं। ठीक है, ये टीचर्स की क्वालिटी है कि एसोसिएटिव है या वो डिसएसोसिएटिव है। ठीक है, लिखना नहीं है, मैंने बस बताया है, ये लिखना मत एग्जाम में। ठीक है, डिसएसोसिएटिव टीचर नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। टीचर हमेशा क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव ही होना चाहिए। ठीक है, ये मत लिख के आ जाना शिक्षक कौन होता है, वो होता है जो बच्चे में इंडिपेंडेंट थॉट बनाता है, उसको इस लायक बनाता है कि वो स्वतंत्र खुले रूप से अपना निर्णय ले सके। ठीक है, करेजियस बनाता है, बहादुर बनाता है, कि क्लास में बैठे हुए कोई भी प्रश्न पूछ ले शिक्षक से, ये मत लिख के आना, ये लिखने वाली चीजें नहीं होती हैं। ये तो एकदम वो वही हो जाएगा, क्रांति फिर से चालू कर दी आंसर के अंदर, इतना हाई लेवल पे नहीं ले जाना है। तो अगर आप में इंडिपेंडेंट थॉट डेवलप नहीं हुआ, आप में बहादुरी ब्रेवरी डेवलप नहीं हुई, और तीसरे लेवल पे आप में डिसीजन मेकिंग डेवलप नहीं हुई, मतलब एजुकेशन ने अपना काम ठीक से नहीं किया, टीचर ने अपना काम ठीक से नहीं किया, कौन सी तीन चीजें होना चाहिए आप में सब कुछ पढ़ने के बाद, इंडिपेंडेंट थॉट, खुद का सोच और बिल्कुल फ्री सोच, दूसरी क्या होनी चाहिए, ब्रेवरी, करेज, बहादुरी,
और तीसरी क्या होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग, खुद का निर्णय ले लेना खुद से। ये तीन आप में नहीं है तो तीनों मतलब एजुकेशन ने आपका आपके ऊपर ठीक से काम नहीं किया, या शायद आपने खुद नहीं समझा, या शायद टीचर ने काम नहीं किया, या शायद स्कूल ही ऐसा था, जो भी है प्रिंसिपल ही रहा होगा ऐसा। अब आते हैं फैमिली पे, हेडिंग डालिए परिवार, फैमिली, फैमिली परिवार। फैमिली में लिखिए सबसे पहले रोल ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का कर्तव्य। रिश्तेदारों का नहीं लिखाएंगे अपन, उनके कर्तव्य अलग होते हैं। माता पिता का कर्तव्य, रोल ऑफ पेरेंट्स। रोल ऑफ पेरेंट्स में नंबर वन होता है अडल्ट बिहेवियर, बड़ों का व्यवहार। अडल्ट बिहेवियर, बड़ों का व्यवहार। सुना होगा बड़े जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। चिल्ड्रन डू द मॉडर्न बिहेवियर अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स बिहेवियर, बच्चे व्यवहार अपने माता पिता को देखकर करते हैं। चिल्ड्रन डू द मॉडर्न बिहेवियर अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स बिहेवियर, बच्चे व्यवहार अपने माता पिता को देखकर करते हैं। मोबाइल चला रहे हो चुपचाप, कितना मोबाइल चलाते हो, पलट वाला आता है, तुम कितना चलाते हो दिन भर, खुद को भी तो देखो, राइट। आई मीन मॉडर्न पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को, बच्चा उस अपने मॉडर्न पेरेंट को जैसा देखेगा वैसा ही वो एक्ट करेगा, ये बिल्कुल कॉमन चीज होती है, ठीक है। मिमिक करता है पेरेंट को, बच्चा एकदम उनकी कॉपी बनने की कोशिश करता है, जब छोटा होता है बच्चा सेम वैसे काम करता है, ठीक है। और स्टडीज में ये भी साबित हुआ कि जो मैरिज ब्रेकडाउन होते हैं, तलाक होते हैं, उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पति पत्नी पे नहीं, बच्चे की मानसिक स्थिति पे पड़ता है, मेंटली वो बहुत परेशान हो जाता है और वो फिर उसके पूरे कैरेक्टर में दिखेगा जीवन भर, ये होता है। सबकॉन्शियसली अचेतन मन से, सबकॉन्शियसली अचेतन मन से चिल्ड्रन मॉडल देयर बिहेवियर, बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार को, चिल्ड्रन मॉडल देयर बिहेवियर, बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार को ऑन द बिहेवियर ऑफ देयर पेरेंट्स को अपना व्यवहार समझने लगते हैं। ऑन द बिहेवियर ऑफ देयर पेरेंट्स, माता पिता के व्यवहार को अपना ही व्यवहार समझने लगते हैं या बना लेते हैं। इफ द पेरेंट्स एग्जर्ट्स सर्टेन क्वालिटीज, यदि माता पिता में कुछ गुण हैं, इफ द पेरेंट्स एग्जर्ट सर्टेन क्वालिटीज, यदि माता पिता में कुछ गुण हैं, इट विल बी एक्सेप्टेड बाय चिल्ड्रन, बच्चा भी वही गुण पाएगा। इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द चिल्ड्रन, बच्चे में भी वही गुण आएंगे, लाइक जैसे कि सिंपथी एंड एम्पैथी, सहानुभूति और समानुभूति, सिंपथी एंड एम्पैथी, जैसे सहानुभूति और समानुभूति। सिंपथी का मतलब पता है, बहुत यूज करते हो। सहानुभूति, किसी के साथ गलत हो गया, अरे रे चल कोई बात नहीं। एम्पैथी, किसी के साथ बुरा हो गया, चल तू भी रोते हैं मैं भी रोता हूं, उसके दर्द को फील करना, एम्पैथी, उसके दर्द को ऊपरी तौर पे समझना, सिंपैथी। एम्पैथी का तो रोल ही नहीं अपना, अपन बस नकली नकली क्या करते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं। सिंपैथी होनी चाहिए, जैसे करुणा भाव, कोई जानवर है वो जा रहा है, किसने पत्थर मार दिया, आपको सिंपैथी आ गई, अरे रे लग गई। एम्पैथी, कुत्ते को पत्थर मारा, काहे काहे आप कर रहे हो, ठीक है, दैट इज एम्पैथी। उसका दर्द आपने समझा और आप भी रोए, वो रोल ऑफ मदर, मां का उद्देश्य क्या
क्या होता है माँ का उद्देश्य? माँ का उद्देश्य तो हमेशा सही होगा, गलत तो हो नहीं सकता। मदर इज द फर्स्ट कॉन्टेक्ट ऑफ चाइल्ड, बाहरी दुनिया से शिशु का पहला नाता। मदर इज द फर्स्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द चाइल्ड, बाहरी दुनिया से शिशु का नाता का पहला नाता विद द आउटसाइड वर्ल्ड, माँ ही होती है। विद द आउटसाइड वर्ल्ड माँ ही होती है। इन द इंडियन सोशल सिस्टम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में, इन द इंडियन सोशल सिस्टम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में द मदर स्पेंड्स मोर टाइम विद द चाइल्ड, माँ अपने बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताती है। द मदर स्पेंड्स मोर टाइम विद द चाइल्ड, माँ अपने बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताती है। हेंस अतः सोशल साइंटिस्ट्स बिलीव दैट, सामाजिक वैज्ञानिक ये मानते हैं, मालूम नहीं कौन से वाले होते हैं वैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट्स बिलीव दैट, सामाजिक वैज्ञानिक ये मानते हैं दैट रोल ऑफ मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मां के कार्य या मां के उद्देश्य सबसे जरूरी होते हैं। इट इज सेड दैट, ये भी कहा गया है, इट इज सेड दैट, ये भी कहा गया है दैट मदर इज द फर्स्ट टीचर, कि मां पहली शिक्षक होती है। दैट मदर इज द फर्स्ट टीचर, मां पहली शिक्षक होती है। एंड होम इज द फर्स्ट स्कूल, और विद्यालय पहला स्कूल। एंड होम इज द फर्स्ट स्कूल, और विद्यालय पहला स्कूल, और समाज पहली जेल। फुल स्टॉप, लिखना मत, समाज पहली जेल। ये सब एक्सेप्टेड आंसर्स हैं, ठीक है, लिखने के लिए होते हैं, आज की जनरेशन के लिए मायने नहीं रखते। अगला लिखो, रोल ऑफ सोसाइटी, समाज के उद्देश्य। रोल ऑफ सोसाइटी, समाज के उद्देश्य। समाज आपको क्या बनाने वाला है अभी वो देखेंगे। द बिगेस्ट ट्रूथ अबाउट मॉडर्न डे सोसाइटी इज, आधुनिक समाज का सबसे बड़ा सच ये है, द बिगेस्ट ट्रूथ अबाउट मॉडर्न डे सोसाइटी इज, आधुनिक समाज का सबसे बड़ा सच ये है, इज अ कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन बिटवीन, कि राजनीति और नैतिकता, इज अ कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन बिटवीन, कि राजनीति और नैतिकता, बिटवीन द पॉलिटिकल डोमेन एंड द मोरल डोमेन, कि अलग अलग हदें होती हैं, बिटवीन द पॉलिटिकल डोमेन एंड मोरल डोमेन, कि राजनीति और नैतिकता की अलग अलग हदें होती हैं। क्या मतलब इसका, लिखो, व्हाट इज पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, जो राजनीतिक तौर पर स्वीकार है, व्हाट इज पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, जो राजनीतिक तौर पर स्वीकार है, मे बी इमोरल, वो अनैतिक हो सकता है, मे बी इमोरल वो अनैतिक हो सकता है। राजनीति में जो एक्सेप्ट किया है वो जरूरी नहीं कि सही हो, वो क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एंड वॉट एवर इज मोरली एक्सेप्टेबल, और जो नैतिक रूप से स्वीकार है, एंड वॉट एवर इज मोरली एक्सेप्टेबल, और जो भी नैतिक रूप से स्वीकार है, मे नॉट बी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, वो राजनैतिक, वो अराजनैतिक हो सकता है, मे नॉट बी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, वो अराजनैतिक हो सकता है। ओके, पहले ये बताओ कि मोरालिटी क्या है। राजनीतिक रूप से स्वीकार किया तो जरूरी नहीं कि वो मोरल हो, मोरली जो स्वीकार किया जरूरी नहीं कि वो राजनीतिक हो। तो मोरालिटी क्या है, किसी भी चीज की डेफिनेशन क्या है, हमें नहीं पता एग्जैक्ट मोरालिटी होती क्या है। प्यार की डेफिनेशन हमें पता नहीं होती, ऑनेस्टी क्या होती है उसकी डेफिनेशन हमें ठीक से पता नहीं होती है,
ठीक है, नॉलेज की डेफिनेशन हमें पता नहीं होती, विजडम यानी विवेक उसकी डेफिनेशन हमें ठीक से पता नहीं होती। तो जब किसी भी चीज को डिफाइन कर पाओगे तभी आप समझ पाओगे ना, बट इनकी जो डेफिनेशन होती है वो फाइनलाइज कभी हुई ही नहीं कि ये है वो चीज, ये है मोरालिटी, राइट। पॉलिटिक्स की डेफिनेशन फिक्स है, राजनीति, देश चलाना राजनीति तो करनी ही पड़ेगी, बिना राजनीति के देश नहीं चल सकता, तो ये होता है। तो मोरालिटी क्या होती है? ऑस्कर वाइल्ड करके एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े फिलोसोफर ऑस्कर वाइल्ड, उन्होंने बताया कि मोरालिटी क्या होती है। उन्होंने बोला कि मोरालिटी जो होती है, लिख लो, मोरालिटी इज अकॉर्डिंग टू ऑस्कर वाइल्ड, ऑस्कर वाइल्ड के अनुसार मोरालिटी इज डूइंग मोर व्हाट इज नीडेड। ऑस्कर वाइल्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑस्कर वाइल्ड, मोरालिटी इज, नैतिकता वह है या नैतिक मूल्य वह है, इज डूइंग मोर देन व्हाट इज नीडेड, कि जरूरत से ज्यादा किया जाए या जरूरत से ज्यादा करना, बट डूइंग लेस देन व्हाट इज अलाउड, किंतु आजादी से कम, बट डूइंग, क्या लिखा, डूइंग लेस देन व्हाट इज अलाउड, जरूरत से ज्यादा आजादी से कम, उसको हम क्या बोलेंगे, मोरालिटी। परफेक्ट एग्जाम्पल सोनू सूद, नहीं नहीं, सोनू सूद कौन है? वो कोरोना में लोगों को घर भेज रहा था ना, जरूरत से ज्यादा किया, दूसरों ने किया क्या, उसके लेवल के लोगों ने नहीं किया, जरूरत से ज्यादा लोगों की हेल्प की लेकिन आजादी से कम, खुद तो छोड़ के नहीं आया ना, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी काम किया। तो मोरालिटी का अभी प्रॉपर एग्जांपल क्या चल रहा है, सोनू सूद एक्टर है, लेकिन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपसे जो एक्सपेक्ट किया है उससे भी ज्यादा कर देना लेकिन आजादी के अंदर ही रहना, वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही, उसे मोरल कहेंगे। ये बाउंड्री है, ये हद बना दी मोरालिटी की। जैसे 6 घंटे पढ़ना चाहिए, 6 घंटे पढ़ो, अब वो आपको सोचना है, जरूरत से ज्यादा या आजादी से कम, कितने घंटे पढ़े, तो आपकी हद आप खुद डिसाइड करोगे। क्लास के बाहर पढ़ते हो ना, कितने घंटे पढ़ते हो? इट इज नो सरप्राइज दैट, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इट इज नो सरप्राइज दैट, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, दैट अ सोसाइटी विच टेक्स मनी, कि एक समाज जिसके लिए आर्थिक मापदंड सबसे महत्वपूर्ण है, दैट अ सोसाइटी विच टेक्स मनी एज अ यार्ड स्टिक ऑफ अचीवमेंट, कि एक ऐसा समाज जिसके लिए आर्थिक मापदंड सबसे महत्वपूर्ण है, मनी एज अ यार्ड स्टिक ऑफ अचीवमेंट, इज रिडल्ड विद करप्शन, वही समाज आज भ्रष्टाचार में डूबा है, इज रिडल्ड विद करप्शन, वही समाज आज भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। लेक्चर की शुरुआत में मैंने यही समझाया था, सोसाइटी उसी को वैल्यू करेगी जो सबसे जरूरी है, सोसाइटी के लिए जरूरी क्या है, पैसा। तो पूरा समाज भ्रष्टाचार में नहीं डूबेगा क्या, क्योंकि हर हमने अब क्या जरूरी बना लिया है, पैसा को बहुत ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाइए, ये लास्ट हेडिंग है, लेक्चर खत्म हो जाएगा। द 5 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के 5 चरण। द 5 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के 5 चरण। आपके मोरल डेवलपमेंट के कितने स्टेज होते हैं? 5, बचपन से बड़े होने तक आप डेवलप होते हो, आप में वैल्यूज आती हैं, आप में मोरालिटी आती है, ह्यूमन वैल्यूज जुड़ती जाती हैं। तो ये 5 चरण किसने दिए थे? कोलबर्ग ने। गोल्डबर्ग मत लिख देना,
वो WWE का पुराना रेसलर है, कोलबर्ग। तो लिखिए कोलबर्ग्स फाइव स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पांच चरण, कोलबर्ग्स फाइव स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पांच चरण, सबसे पहला होगा प्री कन्वेंशनल पीरियड, पूर्व परंपरागत चरण। फर्स्ट इज, पहला चरण होता है प्री कन्वेंशनल पीरियड, पूर्व परंपरागत चरण। क्या होता है ये लिखो। इन दिस स्टेज इस चरण में प्लेजर एंड पेन आर द मेन मोटिवेटर्स। हर्ष और पीड़ा आचरण निभाने में अहम भूमिका निभाते हैं, आर द मेन मोटिवेटर्स ऑफ द एक्शन। हर्ष और पीड़ा की आचरण निभाने में अहम भूमिका है, आचरण निभाने में अहम भूमिका है। इस स्टेज में दो चीजें क्या जरूरी है, प्लेजर एंड पेन। अ चाइल्ड वुड टेंड टू परफॉर्म दोज एक्टिविटीज, बच्चा वो ही कार्य करेगा जिससे, अ चाइल्ड वुड टेंड टू परफॉर्म दोज एक्टिविटीज, बच्चा वो ही कार्य करेगा जिससे, विच गेव हिम रिवॉर्ड, जिससे उसे फल मिले। विच गेव हिम अ रिवॉर्ड, जिससे उसे फल मिले। एंड अवॉइड दोज एक्टिविटीज, और ऐसा कार्य नहीं करेगा, एंड अवॉइड दोज एक्टिविटीज, और ऐसा कार्य नहीं करेगा विच कुड कॉज पनिशमेंट, जिससे सजा मिले। विच कुड कॉज पनिशमेंट, जिससे सजा मिले। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप अभी भी पहली स्टेज पे ही हो। कोई मिल गया कर ऋतिक रोशन, आइला जादू, ठीक है माँ मैं सातवें में चला गया। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना छोटे, वो आपको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, सही काम करने की कोशिश करते हैं, गलत करते हैं। वो उनका नटखटपन होता है या उनको जानकारी नहीं होती, इसलिए वो गलत होता है। फिर हम उनको बताते हैं तो फिर वो ठीक से काम करते हैं। किस उम्मीद में, कि कुछ इनाम मिल जाएगा, चॉकलेट वगैरह मिल जाएगी। और अगर कुछ गलत किया तो भाग जाते हैं, क्योंकि पता है अब रिवॉर्ड पनिशमेंट मिलेगा। रिवॉर्ड ही होता है वो भी कार्य का। सेकंड, इसके बाद जब आप इस टाइम से आगे बढ़ते हो तो आपका दूसरा स्टेज आता है मोरल वैल्यूज सीखने का। अभी मोरालिटी क्या थी, हर्ष एवं पीड़ा, ये दो होती है मोरल वैल्यूज, ठीक है, या तो इनाम मिलेगा या सजा। दूसरा होता है ग्रुप स्टेज, समूह चरण। ग्रुप स्टेज समूह चरण लिखिए। मोरालिटी इज डिफाइंड बाय द ग्रुप, नैतिकता की परिभाषा समूह बताता है। मोरालिटी इज डिफाइंड बाय ग्रुप, नैतिकता की परिभाषा समूह बताता है। एन एक्शन इज जस्टिफाइड, किसी भी कार्य का औचित्य, एन एक्शन इज जस्टिफाइड किसी भी कार्य का औचित्य बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट ग्रुप, समूह की प्रतिष्ठा के आधार पर सिद्ध होता है। बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट ग्रुप, समूह की प्रतिष्ठा के आधार पर सिद्ध होता है ऑफ दैट ग्रुप। तो ग्रुप जो कर रहा है वो आप करने लगोगे, पर लगेगा क्या, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन है इसलिए मैं कर रहा हूं, जबकि असल में बैकग्राउंड में क्या हो रहा होगा, ग्रुप कर रहा है तो मैं भी करूंगा। लेकिन खुद से क्या करोगे जस्टिफिकेशन के लिए, मेरा मन है, जबकि मन आपका नहीं है, ग्रुप का है। क्लासिक एग्जांपल इंजीनियरिंग एग्जाम्स, इंजीनियरिंग की जो एग्जाम्स होती हैं, भीड़ जाती है, पूरा समूह जाता है, आप भी चले जाते हो, क्या सोच के, मेरा मन है, मन नहीं है।
भीड़ जा रही है, तो आप भी पीछे 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 पीछे। तो इस स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आता रहता है? ग्रुप स्टेज। मतलब ग्रुप जो भी करेगा वो क्या हो जाएगा? मोरल। यहां तो क्या था पहले? हर्ष और पीड़ा, या तो पिटोगे या प्यार मिलेगा। यहां क्या हो जाएगा? ग्रुप, जो जो ग्रुप के लिए सही वो मेरे लिए सही, ये वो वैल्यूज ऐड होंगी यहां पर जाके। दसवीं के बाद ट्यूशन चालू हो जाती है लोगों की, क्योंकि ग्रुप जाने लगता है। अपन को जरूरत हो भी ना ट्यूशन की, फिर भी अपन चले जाते हैं। मेरा मन नहीं है, ग्रुप जा रहा है, शायद कभी वो आगे निकल जाए, इसलिए मैं भी चले जाता हूं, ये थॉट रहता है। ठीक है, तो जहां ग्रुप आगे बढ़ेगा वहां अपन हो लेंगे, ये मानते हुए कि मन तो मेरा ही है ना, मेरा ही मन कर रहा है जाने को, बट असल में वो ग्रुप अट्रैक्ट कर रहा होता है आपको। यूपीएससी का मोड तो ऐसा नहीं बनाया ना, 15 लाख लोग देते हैं ये एग्जाम, तो 15 लाख एक ही सही, ऐसे तो नहीं सोचा ना। एक ही तो बढ़ेगा, मैं ही तो ऐड हो रहा हूं। थर्ड, इसके बाद आता है तीसरा, ब्यूरोक्रेटिक स्टेज। नौकरशाही चरण, ब्यूरोक्रेटिक स्टेज, नौकरशाही चरण। लिखिए, मोरालिटी इज डिफाइंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहां नैतिकता नियम और नियमावली पर आधारित होती है। मोरालिटी इज डिफाइंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहां नैतिकता नियम और नियमावली पर आधारित होती है, बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब तो अधिकारी बन गए, तो अब भीड़ के हिसाब से थोड़ा ना काम करना है आपको, किसके हिसाब से काम करना है? आपकी वैल्यूज क्या रहेंगी? रूल्स, कानूनों के हिसाब से चलना है मुझे। अब मुझे भीड़ के हिसाब से नहीं चलना है। अब खुद देख लेना आप कहां पे हो, फर्स्ट स्टेज पे तो नहीं हो ना अभी भी? है कुछ है। द रीजन गिवन इज दैट, ये कारण भी दिया जाता है कि, द रीजन गिवन इज दैट, यह कारण भी दिया जाता है कि, दैट इट कैन नॉट बी चेंज्ड फॉर वन पर्सन, कि किसी एक व्यक्ति के लिए नियमों को तोड़ना मरोड़ना नहीं हो सकता। दैट इट कैन नॉट बी चेंज्ड फॉर वन पर्सन, कि किसी व्यक्ति के लिए नियमों को तोड़ना नहीं हो सकता। रीजन क्या देते हैं हम? कि एक व्यक्ति के लिए नियम नहीं टूटेंगे, सबके लिए नियम बराबर होंगे। ये क्या है? वैल्यूज ही तो है। और अगर वैल्यूज नहीं होंगी और ब्यूरोक्रेटिक स्टेज पे हो तो नियम तोड़ोगे। तो असल में ब्यूरोक्रेटिक स्टेज पे होंगे क्या आप? आप जाओगे सीधे फर्स्ट स्टेज पर, तो ये आप डेवलप हो रहे हो। कुछ बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं स्टेज में, कुछ हमेशा पहली स्टेज पे ही पड़े रहते हैं, कुछ हमेशा दूसरी स्टेज पे रहते हैं भीड़ के पीछे भागना, कुछ तीसरी स्टेज पे आ जाते हैं कि नहीं नियमों का पालन करेंगे। समझ में आ रहा है? इंसान का विकास ऐसे चल रहा है, कोलबर्ग ने बोला है ये। चौथा, इंस्टीट्यूशनल स्टेज, संस्थागत चरण। इंस्टीट्यूशनल स्टेज, संस्थागत चरण। इन दिस स्टेज, इस चरण का उद्देश्य यह होता है, इन दिस स्टेज द ऑब्जेक्टिव इज, इस चरण का उद्देश्य यह होता है, द ऑब्जेक्टिव इज परसीवरेशन ऑफ अ सिस्टम, की व्यवस्था को बनाए रखें। परसीवरेशन ऑफ अ सिस्टम, की व्यवस्था को बनाए रखें, और अ सोसाइटी या उसका संरक्षण करें, और अ सोसाइटी या उसका संरक्षण करें। द डिबेट एट दिस स्टेज इज, इस बात पर चर्चा होती है कि, द डिबेट एट दिस स्टेज इज, इस बात पर चर्चा होती है कि वेदर एन इंडिविजुअल, की व्यक्ति क्या केवल एक तंत्र का हिस्सा है। Whether an individual is merely a part of a whole, कि व्यक्ति क्या केवल एक तंत्र का हिस्सा है,
मियरली अ पार्ट ऑफ अ होल, WHOLE. और ही और डज ही हैव एनी इंडिविजुअलिटी, या उसकी निजी सोच भी मायने रखती है? और डज ही हैव एनी इंडिविजुअलिटी, या उसकी व्यक्तिगत सोच भी, या उसकी निजी सोच भी मायने रखती है? इस स्टेज पे क्या सोचा जाता है कि जैसा सिस्टम चल रहा है उसको बरकरार रखने की कोशिश करें, नेता वगैरह सिस्टम बनाए रखने की कोशिश करते हैं, सबसे टॉप के लोग वो यही चाहेंगे ना कि सिस्टम जैसा है वैसा बना रहे। और यहां पे डिबेट क्या होती है कि एक इंसान पूरे सिस्टम का हिस्सा माने या उस इंसान को इंपॉर्टेंट माने कि वो अपने आप में भी कोई है। वो गांधीयन वाली बात आ रही है यहां पे। हमारे सिस्टम में क्या है, एक इंसान भीड़ में खो गया है, वेस्टमिंस्टर सिस्टम उसको कहते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, स्टेट जरूरी होता है, इंसान नहीं। गांधी जी का जो सिस्टम था उसमें एक हर एक इंसान जरूरी होता है, स्टेट तो बनाओ ही मत। इसीलिए फिर वो छोटे छोटे गांव वगैरह बनाने की बात की थी, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ये तो डिपेंड करता है ना कि आपके जो इंडिविजुअल लोग हैं आपके देश में वो कितने स्ट्रांग हैं। अगर हर इंडिविजुअल बहुत स्ट्रांग हुआ तो आप गांधी जी के रास्ते पे चलते चले जाओगे, और अगर इंडिविजुअल बहुत कमजोर है तो वो तो भीड़ ही बनेगा, भीड़ का हिस्सा ही बनेगा, उसको कोई नहीं जानेगा जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये होगा। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग मॉडल को सपोर्ट करता है वो नैतिकता है। इसमें ये है कि जो भी मॉडल, जिस भी मॉडल से देश चल रहा है, स्टेट चल रहा है, परिवार चल रहा है, वो मॉडल एक्सेप्टेबल है, मतलब नैतिक है, सबके लिए क्या है वो सही है। ये परिवार को बोलो या ये सरकार को बोलो, सब जगह एक ही बात इंप्लाई हो रही है। और आखिरी यूनिवर्सल स्टेज, सार्वभौमिक चरण, यूनिवर्सल स्टेज सार्वभौमिक चरण, इसमें लिखिए द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी आर यूनिवर्सल इन देयर एप्लीकेशन। नैतिकता के सिद्धांत सर्वोपरि एवं सार्वभौमिक हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी आर, नैतिकता के सिद्धांत सर्वोपरि, आर यूनिवर्सल इन देयर एप्लीकेशन। सर्वोपरि एवं सार्वभौमिक हैं, आर यूनिवर्सल इन देयर एप्लीकेशन, फुल स्टॉप। इन दिस स्टेज, इस चरण में, इन दिस स्टेज, इस चरण में द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरेलिटी इज डिफाइंड बाय, नैतिकता की परिभाषा, द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरेलिटी इज डिफाइंड बाय, नैतिकता की परिभाषा, बाय नोशंस ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, बाय नोशंस ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, सार्वभौमिक मानव अधिकार की अवधारणा से, बाय नोशंस ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, सार्वभौमिक मानव अधिकार की अवधारणा से एंड डिग्निटी से उत्पन्न होती है। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी मानव अधिकार की अवधारणा से उत्पन्न होती है, फुल स्टॉप। फिलॉसफी एंड रिलीजन, दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्रों में, फिलॉसफी एंड रिलीजन, दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्रों में कंसिस्ट ऑफ इन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स में इस नैतिकता के कई उदाहरण मिलेंगे। कंसिस्ट ऑफ इन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स ऑफ दिस मोरालिटी में इस नैतिकता के कई उदाहरण मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी 5 स्टेजेस मोरालिटी की, जिसमें हमने देखा कि ह्यूमंस में कैसे नैतिकता डेवलप होती है। ठीक है, तो चेक करते रहिएगा कि कहीं आप एक पहले ही स्टेज पे ना रह जाएं। ठीक है, थैंक यू।